हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आपको टीन प्रेगनेंसी के दौरान इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट फॉलो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान 3 गुना पोषक तत्वों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसमें आपके दोनों बेबी को चाहिए होता है, प्लस आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और 3 गुना डिमांड बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारा खाना है, बल्कि आपको खाने की क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना है, जिसमें आप हेल्दी से हेल्दी भोजन करें। जैसे आप हरी सब्जियों का सेवन करें एंड आप सभी दालों का सेवन करें। इसके अलावा आप दही, दूध, मट्ठा, जूस एंड फल फ्रूट्स, एंड इसके अलावा आप सलाद एंड आप नारियल पानी, नींबू पानी एंड ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। इसके साथ ही जो आपको डॉक्टर विटामिन्स और सप्लीमेंट देते हैं, आप उनको भी जरूर लें, क्योंकि जो ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आप जो हेल्दी डाइट लेती हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी रह जाती है, जो कि इन सप्लीमेंट्स के द्वारा पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है हेल्दी डाइट लेने में, क्योंकि जो आपके दोनों बेबी का डेवलपमेंट होता है वो ज्यादातर आपकी हेल्दी डाइट पर डिपेंड करता है। और हेल्दी डाइट लेने से क्या होता है कि ना तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और ना ही बेबी के शरीर में। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड से बहुत ही ज्यादा दूरी बना लेनी है, बहुत ही कम खाएं, जहां तक हो सके बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड ना तो आपके लिए अच्छा होता है और ना ही आपके बेबी के लिए, और प्लस ये ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देता है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान प्रीटर्म डिलीवरी होने के एंड 37 वीक से पहले डिलीवरी होने के और सी सेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसीलिए इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपको और आपके बच्चे को कोई खतरा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो आपको बिल्कुल रहना चाहिए। और तीसरी बात कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान अपने वजन बढ़ने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी है, दो दो बेबी है, तो सीधी सी बात है आपका वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाला है। और ये जो बढ़ा हुआ वजन होगा वो डिलीवरी के बाद अपने आप ही कम हो जाता है, मेरा भी हो गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अनहेल्दी चीजों से वजन नहीं बढ़ाना है। अगर आप अनहेल्दी चीजों से वजन बढ़ाती हैं तो वो जो वेट होता है वो डिलीवरी के बाद में बहुत मुश्किल होता है कम करना। चौथी बात, ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली चेंजेस होते हैं, और साथ ही में ये प्रेगनेंसी आपको बहुत ज्यादा थकान देने वाली होती है, तो आपको कोशिश करनी कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपका प्रॉपर सपोर्ट करें, जैसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के बीच में बिल्कुल रह सकती हैं। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको भरपूर आराम करना है ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान डेली नॉर्मली योग या फिर व्यायाम करती हैं, तो इससे आपको जोड़ों में दर्द और आपको पीठ के दर्द में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और याद रखें कि आपको योग या फिर व्यायाम बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, और आपको बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में अपनी सोने की पोजीशन को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप कोशिश करें जहां तक हो सके बाएं करवट पर ही लेटें। बाएं करवट पर लेटने से आपके दिल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और दोनों बेबी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंचता रहता है। हाँ, आप थोड़ी बहुत देर दाएं करवट पर भी लेट सकती हैं, बट आप ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट करवट पर ही लेटें। और ट्वींस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पे सीधे सोने की गलती बिल्कुल भी ना करें और पेट के बल भी ना लेटें। और आपको अपनी ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जागरूक रहना है। जागरूक रहने का मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से टाइम टाइम पे मिलते रहना है, एंड वो जो आपको अल्ट्रासाउंड या फिर कोई भी टेस्ट सजेस्ट करें तो आपको बिल्कुल करवानी है। इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ताकि आपको आने वाले टाइम पे आपको और आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्वींस प्रेगनेंसी में लगभग 60% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी 37 वीक से पहले ही डिलीवरी करानी पड़ती है किसी न किसी रीजन से, तो इसलिए आपको अपनी डिलीवरी को लेके पहले से ही तैयार रहना है। जैसी आपकी सिचुएशन हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बिल्कुल फैसला लेना है।
और कोई भी गलत फैसला ना लें, स्पेशली डिलीवरी को लेके। और आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप बिल्कुल वेट करें, अगर वो सजेस्ट नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल उनकी बात माननी चाहिए ताकि आप और बच्चे दोनों ही सलामत रहें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसपे आप वीडियो चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।